मी प्रिया अगेन बैक टू द चैनल विद अनदर व्लॉग. सो आज है 14th of April एंड आज मैं हूँ अपनी मम्मी के यहाँ. काफ़ी टाइम बाद मैं ऐसे व्लॉगिंग कर रही हूँ घर से. आई थिंक लास्ट मैंने, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट व्लॉग घर से इस तरीके से कब बनाया था. मुझे जहाँ तक याद है कि मैं दिवाली के टाइम पे मैंने शूट किया था. उसके बाद तो यहाँ पे ट्रैवलिंग व्लॉग मैंने काफ़ी सारे शेयर किए थे. बट फाइनली आज थी मैं अपनी मम्मी के यहाँ. वैसे तो रोज ही आना जाना होता है स्कूल के पर्पस से मिट्टू, क्योंकि यहीं पे रहती है. और आज हम यहाँ पे रुके हुए थे क्योंकि आज है नवरात्रि का, चैत्र नवरात्रि चल रही है और आज है उसका 6th day. और मम्मी ने, क्योंकि संडे है, कन्याएं मिल जाती हैं क्योंकि नहीं तो फिर स्कूल चले जाते हैं तो बच्चे मिलते नहीं हैं, तो आज मम्मी ने खिलाई थी कन्या. तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना इसी बहाने आप लोगों से कुछ बात करने का मौका मिलेगा, एक ब्लॉग भी शेयर हो जाएगा. तो बस अभी सारी तैयारियां हो चुकी है और हम लोग वेट कर रहे थे कन्याओं का, अभी तक कोई आया नहीं है. सो यस, आई होप यू विल एंजॉय दिस ब्लॉग एज मच एज आई डू, बिकॉज काफ़ी टाइम बाद मैं अभी बना रही हूँ, काफ़ी टाइम बाद आप भी देख रहे हैं, तो आपके लिए भी थोड़ा सा एक अच्छा फील हो रहा होगा. आफ्टर ऑल यू हैव ऑल सब्सक्राइब्ड मी. तो चलिए कंटिन्यू करते हैं व्लॉग. अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आए तो करिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि हम जब भी नया वीडियो पोस्ट करें तो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं. ऑल्सो प्लीज डू सब्सक्राइब. मैंने देखा है कि काफी सारे व्यूअर्स हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, पसंद करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाते हैं. अगर हम इस वीडियो पे 500 लाइक्स हिट करते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने किसी भी 10 लकी सब्सक्राइबर्स को शाउट आउट दूंगी. विद दिस लेट्स कंटिन्यू विद द व्लॉग एंड यू. चलिए आइए मैं दिखाती हूँ सबसे पहले मैंने क्या क्या तैयारी करके. सो टू स्टार्ट विथ, यहाँ पे है खाना, ऑलमोस्ट सारा ही रेडी है. यहाँ पे जितना भी खाना है सब ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है. मम्मी सुबह जल्दी उठ गई थी और वो ही सारा कुछ प्रिपेयर कर ली थी. मैंने बस सब्जी बनाई है, एज आई ऑलवेज से मेरी स्पेशलिटी है सब्जी में. यहाँ पे कुछ भी नहीं है. यस, हम सबके फेवरेट चने हैं. यहाँ पे पूड़ियाँ हैं, यहाँ पे है हलवा और यहाँ पे है रायता. इस बार मैंने सोचा कि रायता बनाते हैं, काफ़ी बच्चों को पसंद आता है. और यहाँ पे बस ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है, बस वो लोग आ जाएं तो हम लोग सर्व करेंगे. एंड हियर वी हैव द गिफ्ट्स हमारी कन्याओं के लिए. इस बार हमने आपको, मैंने शायद पिछले ब्लॉग में दिखाया होगा, लास्ट जब हमने कन्या खिलाई थी तो उनके लिए छोटी प्लेट्स लेकर के आए थे. इस बार मुझे इस तरीके की मिली, तो मैंने ये डबल सेक्शन वाली, ये जो प्लेट होती है ना नाश्ते वाली, बहुत क्यूट लगी मुझे ये, तो मैंने लिया है. और उसके साथ में है रबर बैंड, बिंदीज, वही नॉर्मल स्टफ. तो यहाँ पे ये भी रेडी है. और मिट्ठू को मैंने रेडी कर दिया है क्योंकि आज और भी जगह पे कन्या है, तो मिट्ठू चली गई है एक दूसरी जगह पे कन्या खाने. सो यस, जैसे ही कन्याएं आती हैं मैं आपको अपडेट करती हूँ. सो यस, आई थॉट ऑफ गेटिंग रेडी. मैंने सोचा थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ और जब तक कन्याएं आ रही हैं आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग. कम ऑन लेट्स गो. कल जब हम गए थे, मतलब ये सारा सामान की कन्याओं को गिफ्ट्स देने की शॉपिंग करने, तो हम जनरली जाते हैं बस स्टैंड एरिया में या फिर पन्नीलाल चौक में. काफ़ी सारे ऐसी शॉप्स हैं जो कि गलियों के अंदर है, वहाँ पे आपको होलसेल सामान मिलता है. मतलब अगर आपको बल्क में लेना है तो यू गेट एट एन अफोर्डेबल प्राइस में आपको बहुत सारा अच्छा अच्छा क्वालिटी का सामान मिल जाता है. इनडीड अगर आप जैसे कोई सिंगल ऐसे कोई बड़ी शॉप से लेने जाओगे या फिर आपको सिंगल वही चीज़ लोगे तो आपको थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है. वहाँ पे हमने देखा, बस स्टैंड में हम लोग गए थे. बस स्टैंड में जो पीछे मार्केट है, अगर आप सतना में रहते हो आप तो आपको आइडिया होगा, बस स्टैंड में काफ़ी सारा अंदर बहुत सारा मार्केट है. वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा स्टफ़ मिल जाता है, यू हैव टू चूज़, सेलेक्ट करना पड़ता है. तो वहाँ से मैंने ये लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ. सो ये हमने मिट्ठू के लिए लिया है और ये इस तरीके के रबर बैंड्स हैं. ये देखिए, आजकल बहुत ट्रेंड है इनका, इस टाइप से ये फंकी हेयर बैंड्स रहते हैं, रबर बैंड्स रहते हैं. ये देखिए, इसमें आपको बटरफ्लाई, और इसको जब हम लगाते हैं तो ये बहुत ही क्यूट लगता है बच्चों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर स्पेशली. एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ बेबी गर्ल. एटलीस्ट मुझे हमेशा से तैयार होने का बहुत शौक था और मिट्ठू के कारण मैं उसे और अच्छे से रेडी कर पाती हूँ. तो ये यहाँ पर मैं आपको एक बार खोल के दिखाती हूँ.
सो ये है वो स्टफ जो कि मैंने लिया है मिट्टू के लिए, एंड यू वोंट इमेजिन ये इतनी सुंदर, मतलब ये इस टाइप से रिबन रबर बैंड्स हैं। इसको जब हम लगाते हैं ना, मैं आपको कहीं पे फोटो भी डाल दूंगी, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैंने मिट्टू को लगाया था ब्लू वाला कल 13th को, मिट्टू का 2.5 ईयर्स बर्थडे था, मतलब वो कल 2 साल 5 महीने की कंप्लीट हुई, तो हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा सेलिब्रेशन कर लेते हैं। सो वही उसमें मैंने लगाया था, तो वो मैं फोटो आपको पेस्ट करूंगी, आप देखोगे कि कितना ज़्यादा ये क्यूट लगता है देखने में। हालांकि जो ये सबका पैटर्न है ऑलमोस्ट सेम है, बट इसमें जो ये कल मिट्टू ने निकाल दिया, मिट्टू के हाथ में कोई भी चीज़ लगती है ना तो वो निकाल देती है। इसमें बटरफ्लाई है, इसमें बी है शायद, ये बी है या बटरफ्लाई है व्हाटएवर, इसमें भी बटरफ्लाई है, इसमें ये मर्मेड है, इसमें ये क्राउन है। हालांकि पैटर्न सबका सेम है, बट बच्चों को कितनी बार भी कोई भी चीज़ लगा दो ना, वो हर बार डिफरेंट ही लगती है। तो हमने ये लिया। अब यही अगर मैं किसी शॉप में लेने जाती, हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर शॉप्स है जहाँ पे आपको ये ऐसा कलेक्शन मिल जाता है, एंड आई हैव सर्च लिटरली, मैंने देखा है कि दैट दे गिव यू दिस स्टफ़ फॉर 50 रुपीज़ ईच पेयर। जैसे जैसे दुकान का जो लाइटिंग है वो बढ़ता जाता है, उसके हिसाब से रेट्स होते हैं, बट यू वोंट इमेजिन दैट आई गॉट दीज ब्यूटिफुल रबर बैंड्स फॉर जस्ट रुपीज़। पूरा पैक लेना पड़ता है आपको, सिंगल नहीं मिलता है, एंड आई गॉट दिस जस्ट फॉर रुपीज़ 100, मतलब 100 में 6 विच कॉस्ट यू अराउंड 16 to 17 rupees पर पीस आपको ये पड़ता है, एंड 16 rupees में अगर आपको ये मिल रहा है देन इट इज़ अ वेरी गुड डील। अपार्ट फ्रॉम दिस आई ऑल्सो गॉट बंच ऑफ क्लिप्स, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मिट्टू कन्या खाने गई है ना, तो उसको मैंने यहाँ से येलो वाला लगाया है, तो ये आपको मिलता है। मैंने जैसा कि बोला कि पैटर्न सेम है, बट अगर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आप ये ले सकते हैं। एंड आई गॉट दिस ऑल्सो फॉर जस्ट ₹90 के मुझे ये 6 pairs मिले हैं, विच कॉस्ट समवेयर अराउंड दिस मच ओनली, 15-16 rupees का आपको ये पड़ता है। सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट, अगर आपके पास एक बेबी गर्ल है और आप उसको बहुत अच्छे से रेडी करना चाहते हो, तो बस स्टैंड एरिया में पनीराल चौक में भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं, बट मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। बस स्टैंड में पिछले 10 साल से जा रही हूँ अपनी मम्मी के साथ, और हम जितना भी ऐसा हैवी आइटम है जो ज़्यादा ज़्यादा लेना होता है, इवन सेल्फ के यूज़ के लिए भी, तो हम लोग वहीं से लेते हैं। यस, और जितने भी ये जो मार्केट्स में दुकानें हैं, बड़ी बड़ी जो दुकानें हैं, वो लोग भी सब यहीं से लेकर के जाते हैं एट अ चीपर प्राइस, एंड देन दे सेल आउट एट वेरी हाई प्राइस। तो सेम चीज़ है, तो आप ले सकते हैं। काफ़ी मुझे ये अच्छा लगा, यस, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो बस आपसे बातें कर ही रही थी कि मम्मी सबको लेकर के आ गई थी, ये लोग जहाँ पे मिट्टू गई थी कन्या खाने सब वहीं पे थे, और बस जैसे ही सब लोग इकट्ठा आ गए मम्मी सबको लेकर के, अभी मम्मी सबके पैर धो रही है, रंग लगा रही है, रंग लगाएगी उसके बाद हम कन्या भोजन स्टार्ट करेंगे। सो यू एंजॉय द वीडियो। लग जाएगी इधर इधर कुछ नहीं खाए कार नहीं उसकी कार है मीठू। तो फ्रेंड्स कन्या भोजन इज डन, सब लोग चले गए हैं कन्या आए खाना खा के, इतना भगदड़ मच गई थी कि कुछ शूट करने का मौका ही नहीं मिला, और अभी हम पी रहे हैं चाय। आइए आपको काफ़ी दिनों बाद मम्मी से मिलवाती हूँ। ये देखो मम्मी कैसा फील कर रही हो, बहुत बढ़िया, इतने दिनों बाद मैं आपके पास रुकी हुई हूँ, बहुत बढ़िया है। और आपको थाली तो दिखाई थी मैंने शायद पहले कि नहीं दिखाई थी, ये था आज का हमारा कन्या भोजन का खाना, ऐसे खाना दिखा दिया था, और अब मुझे भी भूख लग रही है, तो मम्मी इस घर की पुरानी कन्या को भी भोजन परोसा जाए, ठीक है ना? सही बात है ना? So let's enjoy. मिट्टू गई थी अभी एक जगह कन्या खाने, और आ गई है ना मिट्टू?
और अपना गिफ्ट देख रही है। मिट्टू को मिली है क्लिप, क्या मिला मिट्टू दिखा दो क्या है फ्रेंड्स लोगों को। और साथ में है ये पायल, और मिट्टू अपना खाना लेकर के भी आई है ना मिट्टू। ये बहुत डिलीशियस है मम्मी, खाओगी? हेलो, ये खा लो, ये बहुत अच्छा है, ये पकौड़े हैं। ये ये सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं रेस्ट करने, और मिट्टू को कल हम गए थे जब शॉपिंग करने तो चोट लग गई थी। ऐसी चोट मिट्टू को पहली बार लगी है, छिटल के घिस गया पूरा, मेरी वजह से। मेरा मिट्टू पकड़ के हाथ चल रही थी और फिर गिर गई रोड में। बस अभी मिट्टू दूध पिएगी, फिर उसके बाद हम लोग सोएंगे। अभी बज गए हैं दोपहर के 3, और अभी मिट्टू के भी सोने का टाइम हो गया है ना मिट्टू। चलो सोएं, चलो गुड नाइट करो। सो फ्रेंड्स, इट्स इवनिंग टाइम, और अभी हम लोग उठ के आ गए हैं नीचे, और अभी मैं डाल रही हूँ पौधों में पानी। यहाँ मेरे मायके में ना काफ़ी बड़ा सा गार्डन है, तो यहाँ पे पानी डालते रहते हैं हम लोग। यहाँ पे लगा हुआ है केले का पेड़, आप लोग कई बार देख चुके होंगे। यहाँ पे कुछ रोज़ेस भी लगे हुए हैं, ये देखिए हमारे रोज़। और यहाँ पे एक पपीते का पेड़ है जिसमें काफ़ी सारे पपीते अभी लगे हुए हैं। सो यस, बस अभी यही चल रहा है। अभी हमारा जाने का प्लान था, लेकिन मिट्टू के पापा बोल रहे हैं कि बहुत शाम हो गई है और उनका मन नहीं है आने का। तो वैसे भी कल वो ऑफिस के लिए आएंगे, मुझे भी स्कूल जाना ही है, हम लोग कल चले जाएंगे। आफ्टर ऑल यहाँ पे रुकने का मज़ा ही कुछ और है। So let's garden। और ये है हमारा शार जिससे हम पौधों में डालते हैं पानी। मिट्टू कम हियर। और वो रही मिट्टू, खेल रही है कोको के साथ। यूहू, सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए हैं SVS फूड, मैं, मम्मी और मिट्टू। शाम होते ही ना ऐसा लगता है कि क्या खा लें, कुछ मिल जाए तीखा चटपटा सा। और भाई ने भी डिमांड करी कि उसको पिज़्ज़ा खाने का मन हो रहा है, तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना लेकर के आते हैं। घर में ऑर्डर करने का क्या फ़ायदा, इसी बहाने थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी। पर ना मेरी मम्मी की और मिट्टू की साथ में बहुत ही कम हम लोग जा पाते हैं जब से मैंने स्कूल ज्वाइन किया है। सो यस, वी हैव ऑर्डर्ड सम पिज़्ज़ा, इट्स ऑन इट। इधर देख के बोला जाता है, बोल दो घर चल के खाएंगे हम लोग, ठीक है?
Here are our delicious pizzas. Let's enjoy them. So friends, we are done with the pizza. बहुत ही delicious था. SBS का pizza is one of my favorites. और बस अभी हम लोग आ गए हैं, लेटे हुए हैं, सो जाएंगे थोड़ी देर में. यहाँ पे मिट्टू है जो कि देख रही है अपना टैबलेट में कार्टून वगैरह. थोड़ा सा उसको भी अच्छा लगता है तो हम उसको थोड़ा सा दे देते हैं रात के टाइम, शाम के टाइम पे. सो यस, आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.